गाइस वेलकम टू हारिस फोटोग्राफी एंड ब्लॉग। तो आज मैं आपको HDR फोटो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको ब्लर की ट्रिक भी बताऊंगा कि आप बिना सिलेक्शन के इजी वे के लिए मोशन ब्लर और लेंस ब्लर वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा लो है और उसका लेंस अच्छा नहीं है, ज़्यादा ब्लर नहीं कर सकता, तो आप फोटोशॉप से इजी वे के लिए इजी वे से कर सकते हैं। तो अभी हम पहले इसकी स्क्रीन रिटचिंग कर रहे हैं। मैंने हाथों से शुरू किया और स्क्रीन रिटचिंग में इतना आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले उस पर 2-3 वीडियोस बनाई हैं। आपका अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा तभी मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इसको देखें, हम मैं हमेशा बोलता हूँ हाईलाइट्स को हाईलाइट्स में मिक्स करें और शेडोज़ को शेडोज़ में। अगर आपसे अच्छी स्किन नहीं बन रही है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो इसमें मैं स्किन रिटचिंग कर रहा हूँ इसकी, ये देखें अभी मैंने हाथ से शुरू की और अभी मैं आपको शेडोज़ पे भी रिटच करके दिखाऊंगा। शेडोज़ को मैं शेडोज़ में मिस करूँगा। तो इसकी इस पर बहुत भाई एक दो भाइयों के कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि न्यूटन की तरह कलर ग्रेडिंग मैनुअल सिखाओ। तो भाई मैनुअल कोई नहीं सीखता है, अब सब प्रीसेट्स वगैरह लेने आते हैं। अगर मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेहनत ज़्यादा, व्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने इसकी भी कलर ग्रेडिंग पहले ही कर ली थी, तो उसका प्रीसेट मैंने बनवा दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में होगा नीचे, वो मैं जब एंड में अप्लाई करूँगा आप देख लेना। आपको ब्लर की ट्रिक भी बताऊँगा। तो अभी ये देखें मैंने हाईलाइट्स को हाईलाइट्स में मिक्स किया, अभी शेडोज़ की बारी आएगी तो मैं शेडोज़ को शेडोज़ में मिक्स करूँगा। तो इसी तरीके से ईजी वे के लिए आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। इसके बाद लाइव फ़ोटोशूट ब्लॉग भी आएगा, वो इतना खास नहीं है, बस नॉर्मली जैसा हम बना सकते थे बना लिया हमने। तो ये देखें नोज़ वगैरह अभी मैं रिटच कर रहा हूँ। अभी चलो ये शेडोज़ की बारी आएगी इसके बाद, तो मैं यहाँ Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. अब इस पार्ट को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज आएंगे और व्हाट्सअप मेरा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आफ्टर में यहाँ से जाना है आपको, ब्लर पे आपको सेलेक्ट करना है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर 163 का मैं ब्लर लगाऊंगा यहाँ पे, तो 160 पे मैं उसी पे कर देता हूँ मैं इसको। तो नीचे आप ये देखें, अब ये पूरी पिक्चर पर ब्लर हो गया है, तो ये नीचे कैमरा जैसा बना होगा, इस पर क्लिक करके कंट्रोल आई कर दें तो ये ब्लैक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इधर जाना है ब्रश में, यहाँ पे आपको पेंसिल टूल सेलेक्ट करने का, मैंने जल्दी में किया है, मेरा पहले ही ऑलरेडी सेलेक्ट होता है क्योंकि मैंने ऑटो किया हुआ है। तो पेंसिल टूल होगा, मिक्सर ब्रश टूल चौथे नंबर पे होता है, वो वन पे होगा। तो इसको अब यहाँ से जहाँ जहाँ पे आपको ब्लर लगाना है इस पर कर दें। मेरे को पूरे पे लगाना, तो मैं पूरे पे कर रहा हूँ। ब्लर के और बैकग्राउंड चेंज के ऊपर मैं अलग से एक पूरी प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे आप इजी वे के लिए कलर ग्रेडिंग और ब्लर बैकग्राउंड चेंज HDR फोटो एडिटिंग आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ के अलावा, एडिट करने के अलावा लोगों को फेसबुक पेज बना के वहाँ से डेली 200-300 रुपये 500-1000 ऐसे आप अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर पे आप एड लगा के उस पर फाइवर का आप पे आप अपना गिग बना के डालें, वहाँ से आप डेली $10-$20 अर्निंग कर सकते हैं। पर आप अच्छी कलर ग्रेडिंग वगैरह करें तो इसलिए, वरना आपको कोई ऐसे पैसे नहीं देगा। तो आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझ आए। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है, साइड में आप देखेंगे जिसको हमने कंट्रोल आई से ब्लैक किया था, तो वहाँ से वो ब्लैक हट रहा है जहाँ जहाँ पे ये मोशन ब्लर हो रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है और इधर चेक करते रहना कहीं आपका गलत जगह पर हो जाए, और आप बाद में देखें तो आपकी पूरी पिक्चर ख़राब हो जाए, इसलिए आप चेक करते रहें। Close till I get up. Time
I don't.